हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका। आज हम लोग देखेंगे म्यूनसिपल सर्विस कमीशन में वैकेंसी आई है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये वैकेंसी कहाँ और किसके डिपार्टमेंट के लिए आई है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये वैकेंसी जो आई है म्यूनसिपल सर्विस कमीशन कहाँ के लिए, तो कोलकाता। आपको जैसे पता होगा जितने भी बड़े शहरों महानगरों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सर्विस चलते हैं, तो उसके तहत ये वैकेंसी आई है। ठीक है, चलिए ये किस जो वैकेंसी एडवर्टीजमेंट नंबर है आपको याद दिला दूँ, ये एडवर्टीजमेंट नंबर है 18 ऑफ 2018, मतलब 2018 की वैकेंसी है। चलिए सबसे बड़ी बात कि किस पोस्ट के लिए आई है, तो पोस्ट का नाम है सब असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल के अलावा ये सिविल की भी आई हुई है, उसकी अलग से एडवर्टीजमेंट आई हुई है। अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा, मैं कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं उसे भी अपलोड कर दूंगा। चलिए बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आई है। तो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो आई है 40। ठीक है, जिसमें से 40 में से जितना जिसमें से 22 जो है यहाँ पे आपको साफ बताया गया है अनरिजर्व के लिए रखा गया है। इस 22 में से आपका जो 10 है पहले की है, मतलब बैकलॉग वैकेंसी है। ठीक है, ये बैकलॉग वैकेंसी पहले की जो भरी नहीं थी उसको जोड़ के है, जिसमें से अनरिजर्व पीएस वैकेंसी जो है एक रखा गया है, जो कि बैकलॉग वैकेंसी थी। उसके बाद चलिए देखते हैं, बात करते हैं एससी एसटी के लिए टोटल 8 है, जिसमें से 4 एससी के लिए रखा गया है और 4 एसटी के लिए रखा गया है। और बात करते हैं जब ओबीसी की बारी आती है, तो उसमें टोटल 7 सीट ओबीसी के लिए रखा गया है। तो ये तो बात होगी सीट के लिए। यहाँ पे एक देखिए नोट दिया है स्टार मार्क में करके कि पीएचडब्ल्यू की क्राइटेरिया क्या होती है। तो जो पीएच लड़के वही कहलाएंगे जिनकी पीएच एबिलिटी 40% या 40% से ज़्यादा हो, तभी उनको पीएच की रिजर्वेशन मिलेगी। अगर किसी की पीएच एबिलिटी 20% है तो वो पीएच में नहीं आएंगे, मिनिमम उनको 40 होनी चाहिए। बात करते हैं कि इसकी सैलरी क्या होगी। तो सबसे पहले पे स्केल देख लेते हैं। पे स्केल जो रखा गया है आपका पे बैंड 4 के तहत आएगा, जो कि 9000 से लेके 40500 तक है। अब बात करते हैं पे ग्रेड की, तो पे ग्रेड आपका 4400 की रखी है, जो कि एक एवरेज जेई की पे ग्रेड और पे स्केल होती है। चलिए बात करते हैं तीसरे नंबर पे कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन और क्या है इसमें रखा गया है। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन रखा गया है यहाँ पे अ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम स्टेट काउंसिल फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्निकल एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट। डिप्लोमा होना चाहिए या तो डिप्लोमा के इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं कि डिजायरेबल वैकेंसी के बारे में। तो देखिए डिजायरेबल वैकेंसी बोल रहा है 1 ईयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और स्टडी और रिसर्च और प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस इन म्यूनसिपल इंजीनियरिंग वर्कशॉप। देखिए, और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं इसको आपको हाईलाइट करके बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक बड़ी ये भी लिखा गया है कि द कैंडिडेट हैविंग हायर क्वालिफिकेशन मे ऑल्सो अप्लाई, मतलब जिसके पास डिप्लोमा से हायर क्वालिफिकेशन, जैसे डिप्लोमा के बाद क्या आता है बीटेक, तो बीटेक वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कि सर व्हाट इज एसेंशियल क्वालिफिकेशन और व्हाट इज डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। देखिए एसेंशियल ये होता है कि ये तो आपके पास होना ही होना चाहिए, अगर ये आपके पास नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। और डिजायरेबल क्या होता है कि आप एसेंशियल के बाद अब अगर ये है तो अच्छी बात है। तो देखिए डिजायरेबल का फ़ायदा कहाँ होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। सपोज आपके 25 मार्क्स आए और आपके फ्रेंड के भी 25 मार्क्स हैं, ठीक है, एग्जाम के बाद मेन एग्जाम की बात करो, दोनों के 25 मार्क्स आए। अब क्या होगा कि किस कैसे किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा पहले। तो सपोज आपके पास ये एक्सपीरियंस है और ये आपके दोस्त के पास नहीं है, अदर कैंडिडेट दोस्त बोल लीजिए, चाहे आपके कॉम्पिटेटिव के पास नहीं है, इस केस में आपको ये एक्सपीरियंस ये प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा, इसके बाद इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये डिजायरेबल एजुकेशन आपको फ़ायदा करेगा। अगर आपका 25 से कम मार्क्स है, 24 है, तो पहले इनको प्रेफर दिया जाएगा ना कि आपको। तो
तो ये कहाँ पे काम आएगा आपका, जहाँ पे आपका सेम नंबर है, और तब उस केस में आपका ये एजुकेशन चाहिए, आपका एक्सपीरियंस बोल लीजिए या डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपके काम आएगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि एज क्या होनी चाहिए। तो एज देखिए यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ 37 ईयर एज ऑन 1 जनवरी 2018, मतलब 1 जनवरी 2018 तक आपका 37 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये जो एजुकेशन ये जो एज एज का जो लिमिट दिया है वो जनरल के लिए, अनरिजर्व के लिए। उसके अलावा ओबीसी के लिए कितना, 3 साल रहता है। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपका एज कितना होना चाहिए, 40 साल मैक्सिमम। अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको 5 साल और जोड़ लीजिए, 42 ईयर्स हो जाएगी एससी एसटी के लिए। ठीक है, जो एज की रिलैक्सेशन मिलती है वो, चलिए आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर इसकी सिलेक्शन मेथड क्या है। देखिए यहाँ पे साफ साफ शब्दों में दिया है कि द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन विल बी नोटिफाइड लेटर। अभी तो इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। तो आपको क्या करना होगा उसके लिए, आपको डेली विजिट करना पड़ेगा इस साइट पे। और वैसे भी अगर जब इसकी सिलेबस और रिक्रूटमेंट मेथड आएगी तो मैं आप फिर से अपलोड कर दूंगा, इसके लिए कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस जो कि नॉन रिफंडेबल है वो क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिजर्व, अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी बच्चे के लिए। तो कितनी रखी गई है फीस, 150 रुपये, 150, काफ़ी कम है आज के डेट में। तो प्लस 50 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पे, प्लस 20 रुपीज़ आपको बैंक चार्ज भी देना पड़ेगा। तो टोटल आपको 220 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, पेमेंट करना कैसे है, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये पेमेंट आपको ऑनलाइन नहीं करना है, चालान के थ्रू ही आपको ये पेमेंट डिपॉजिट करना है। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है डिपॉजिट बाई चालान। अब देखिए जो पेमेंट है एससी एसटी और पीएच के लिए वो आपको सिर्फ 50 रुपीज़ प्रोसेसिंग चार्ज देना है और प्लस 20 रुपीज़ बैंक चार्ज देना है, मतलब आपको 70 रुपीज़ देना है। तो बेसिकली मैं बता दूँ जनरल और ओबीसी के लिए कितना है, ओबीसी के लिए कितना है 220 और एससी एसटी के लिए 70 है। ये आपकी तो फी की बात हो गई। चलिए बात करते हैं कि फी देना कैसे है। तो आपको जाना है सबसे पहले कहाँ पे, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में, वहाँ पे आपको चालान बनवाना है। ठीक है, वहाँ से फिर चालान बनवाने के बाद यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में पेमेंट करना है। आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ, क्लियर मेंशन किया हुआ, मैं कमेंट बॉक्स में भी अकाउंट नंबर और डिटेल दे दूंगा इसका। वहाँ से आपको चालान जनरेट करके, चालान पहले करना कैसे है, पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद वहाँ से आप चालान जनरेट करके चालान कटवाना होगा और आपको फिर उसको अपडेट करना होगा। तो चालान कहाँ कटेगा आपको मैं बता दूँ फिर से, चालान जो कटेगा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में कटेगा, जिसके लिए आपको 20 रुपीज़ बैंक चार्ज भी देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या इसमें दिया हुआ है कि लेकिन यहाँ पे एक आपको सुविधा दिया गया है, कैंडिडेट में ऑप्ट फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ और फॉर फी एंड चार्ज थ्रू indiaideas.com लिमिटेड बिल डेस्क। तो मतलब आपका एक ये ऑनलाइन पेमेंट का भी सुविधा दे दिया गया है यहाँ पे। चलिए दूसरा देखते हैं कि जो बच्चे जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस दिया गया है कि वो 7 डेज पहले आपके इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले, 7 दिन पहले आपको NOC जिसको बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप NOC सबमिट नहीं करते हैं तो आपको इल एलिजिबल माना जाएगा, मतलब आप एलिजिबल नहीं हो के आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया सबको। चलिए अब बात करते हैं कि लास्ट डेट कब तक है। तो देखिए ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है और चालान जनरेट करने का डेट है जो 12 सितंबर तक है, उसके बाद आप 13 तारीख तक जाके बैंक में चालान कटवा सकते हैं, चालान भर सकते हैं। और उसके बाद आप अपना चालान भरवाने के बाद, चालान कटवाने के बाद 13 तक
आप अपना एप्लीकेशन जो है 14 तारीख तक कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लास्ट डेट जो है 14 तारीख तक कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये मत समझिए कि 14 तारीख लास्ट डेट है। आपका फॉर्म भरने का डेट क्या है 12, चालान कटवाने का डेट 13 और उस दोबारा फॉर्म को कंप्लीट करने का डेट 14। अगर आप चाहेंगे कि 14 को ही स्टार्ट करें तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपका पहला फॉर्म भरने का डेट 12 को है, चालान कटवाने का लास्ट डेट 13 को है, फिर चालान कटवाने के बाद फर्दर स्टेप पूरा करने के लिए 14 का डेट रखा गया है, ठीक है। उसके बाद और भी कोई डाउट हो इस वैकेंसी के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वैकेंसी में बस इतना ही दिया गया है। आपको बोल दिया गया है कि अगर आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस और सिलेबस बाद में नोटिफाई किया जाएगा तो आप अपडेट होते रहिएगा। अगर अपडेट होना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी इसके रिगार्डिंग कभी भी कोई नोटिफिकेशन मैं अपलोड करूं तो आपके पास इजीली पहुंच सके, वरना आप डेली चेक करते रहिएगा। मैं चेक करने की वेबसाइट बता देता हूँ कि आपको जाना कैसे है। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, खोलना है, टाइप क्या करना है आपको www.municipal service commission westbengal.org। वहाँ पे ये खुल जाएगा, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए म्यूनसिपल सर्विस कमीशन कोलकाता स्टेट खुल गया। आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नोटिस में जाना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट नंबर, ये आप यहाँ से एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, सिविल के लिए भी आया हुआ। तो आपको यहाँ पे रेगुलर जाके अपडेट होते रहना है। और फॉर्म भराएगा कब से, तो फॉर्म आपको मैं बता दूँ कि जो फॉर्म भरने की डेट है वो आपका कल से शुरू होगा, 14 अगस्त से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा भराना, ठीक है। तो और कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।